हाय एवरीवन, आज मार्केट में जो हुआ उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मिलता रहेगा। तो देखिए, आज मैं बता देता हूँ कि हिंद यूनिलीवर का रिजल्ट आया बी, ओके, और उसमें सेल सिग्नल हमको मिला था लास्ट वीक में। तो हमें इससे ये सबक मिलता है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, या फिर मार्केट को एडवांस में पता चल जाता है और रिजल्ट बाद में आता है, ठीक है, और फिर मौका नहीं मिलता है। अभी देख सकते हैं कि दिस इज़ द वीकली चार्ट ऑफ हिंद यूनिलीवर। इस पर हमने यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी बनाया था, शायद वीडियो भी बनाया था, अभी याद नहीं है, बहुत सारे शॉर्ट बनाता हूँ, पर यहाँ पे ये ट्रेडिंग व्यू पे हमने अपलोड किया था। अभी इससे मैं कोई झूठ नहीं बोल सकता हूँ, इस पर हमने वीडियो बनाया था। हाँ दोस्तों, कि जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन गया और सपोर्ट टूटेगा। और मैंने कहा था, एज पर द नॉलेज, मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने सिर्फ फॉलो किया है कि हो सकता है ये ट्रेंड लाइन को भी टच कर दें। अभी देख सकते हैं वीक बिलो 2620। चलिए प्ले बटन दबाते हैं। दिस इज़ नॉट मैजिक, ओके। तो यहाँ पे ये लो जो है वो टूटना, मैंने क्या कहा था, ये ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज दिया, फिर थोड़ा ऊपर गया। वो जो ऊपर गया वो फंसाने की स्कीम थी, जो यहाँ पे आज सक्सेस हो गई, राइट। तो दूसरी बात रही दोस्तों, गिरने के बाद ये शाम को न्यूज़ आते हैं जो रिजल्ट के, कि HUL का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भाई फॉल्स हो गया है, राइट, फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड डिसअपॉइंटिंग इन्वेस्टर्स। दोस्तों पहले तो गिर गया, फिर रिजल्ट आया। याद रखिएगा, जब भी बुरा रिजल्ट आएगा या फिर जब भी प्राइस गिरेगा तो ऐसा कहा जाएगा कि एक्सपेक्टेशन से अच्छा रिजल्ट नहीं था, और जब भी बढ़ेगा तो कितना भी बुरा रिजल्ट हो लास्ट में कहा जाएगा कि एक्सपेक्टेशन से अच्छा था, या फिर कहा जाएगा गाइडलाइन अच्छी है, ओके। पर इसमें हम फंस जाते हैं, ओके। तो ये ऑलवेज ध्यान में रखिएगा कि चार्ट जो होता है वो सब पहले से बता देता है, सिर्फ हमें फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंद यूनिलीवर में आज ये चीज़ हुई है, राइट। राइट टाइम पे एंट्री एग्जिट बहुत मैटर करता है। चलिए वन मोर थिंग जो सीखने को मिली बता देता हूँ। IRCTC एक्चुअली देखने जाए तो IRCTC कुछ उतना खास गिरा है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, पर अगर गलत एंट्री है तो फिर सहन तो करना ही पड़ेगा, राइट, सहना ही पड़ेगा दोस्तों, ओके। तो मैं बताता हूँ आपको कि एंट्री लेनी है तो या तो ब्रेकआउट पे लो, या फिर जब भी वो रेस्ट लेता है, सपोज ये लेवल है, मैं चाहूँगा कि हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, राइट। तो यहाँ कहीं पे आपको ट्रायंगल ब्रेकआउट या कुछ मिलता है तो वहाँ पे हमें जाना है, राइट। उसके बजाय अगर हमने यहाँ पे सुबह ले लिया हाई पे कि चलिए ये अभी लॉन्ग टर्म के लिए मैं रखूँगा, वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए हो ही गया है, राइट, पर ये देखने जाए तो कुछ उतना खास फॉल नहीं है, राइट। कई लोग कहते हैं बढ़ने में बहुत वक्त लगता है, गिरने में कम, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जब बढ़ता है तो भी वो पागलों की तरह ही बढ़ता है ऐसे, राइट। तो IRCTC से हमें क्या लेसन मिला, सबसे पहले हिंद यूनिलीवर से क्या लेसन मिला, कि जो मार्केट को पहले से ही पता चल जाता है, या फिर सबसे बेस्ट कि चार्ट ही देखें, राइट। और मैंने क्या कहा, बुरे अगर मार्केट गिरेगा या पर्टिकुलर शेयर का प्राइस गिरेगा तो उसे ऐसा कहा जाएगा कि एक्सपेक्टेशन बिलो एक्सपेक्टेशन है, राइट, और बढ़ेगा प्राइस पूरे नतीजों के बावजूद तो कहा जाएगा कि अब वो एक्सपेक्टेशन है। तो ये सबसे जितना हो सके एडवाइजेबल है कि दूर रहें। IRCTC में सबसे बड़ी गलती कोई भी प्राइस से लेना, वन मोर स्टॉक जिसमें लोग बहुत फंसे हैं। मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको बताया था कि टाटा ग्रुप स्टॉक्स में लोग सबसे ज़्यादा फंसने वाले हैं, राइट। राइट टाइम पे एंट्री एग्जिट बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसने ले लिया वो तो फंसने ही वाला है। ऑलवेज एक्शन रिएक्शन फिर आप एंट्री ले सकते हैं, या फिर आपके जो भी इंडिकेटर है जहाँ पे कंसोलिडेशन है उसके बाद एंट्री लेनी चाहिए। टाटा मोटर्स में देख सकते हैं कि हमने शॉर्ट्स बनाया था, वो हाई ही नहीं क्रॉस हुआ था, ये वाला 530। इसीलिए हम ऑलवेज कहते हैं कि जब भी कोई मूव आती है फिर थोड़ा रेस्ट लेता है, फिर एंटर होना चाहिए, राइट। जैसे ये 3 दिन बढ़ा, फिर रेस्ट लिया, फिर यहाँ से एंट्री ये हाई पे बनती है, राइट। फिर स्टॉप लॉस रिवाइज कीजिए विद द लो ऑफ रेड कैंडल, अगेन रिवाइज एंड नाउ स्टॉप लॉस हैज बीन ट्रिगर्ड, राइट। सो दिस वे वी कैन ट्रेड। लोग कहते हैं मार्केट बहुत गिरा, मार्केट कुछ गिरा ही नहीं है, ओके, क्योंकि आज फिर ये गिरा हुआ नहीं कह सकते हैं, ये तो वो कुछ नहीं, इसे करेक्शन भी नहीं कह सकते हैं, राइट। पर ये पैटर्न जो है निफ्टी में वो फिलर के लिए कोई अच्छी पैटर्न नहीं है, पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न से कोई टॉप नहीं बनता है। फिर भी कमेंट कीजिए कि ये पैटर्न कौन सी है, राइट। तो दोस्तों आज बहुत कुछ सीखने को मिला, हर रोज़ मार्केट कुछ ना कुछ सिखाता है, पर गलती हमें सेम रिपीट नहीं करनी है,
दोस्तों, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।